नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त साबिर खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल साबिर। तो भाई लोगों, आज मैं आपको सेकंड हैंड मशीन के बारे में बताऊंगा। तो ये मशीन है जो बिकाऊ है, आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा मशीन का वीडियो, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो जैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ये पुलिया है 10-12 की, नीचे 9-11 है, जो अभी भी इस पर फार्म ट्रक के चक्कर मिले हो। पहले इसमें थे जो 3600 के 10-35 मेसी के थे, तो अब इसमें फार्म ट्रक 60 के किए हुए हैं, तो जुगाड़ करके कैसे भी जैसे। तो ये इसमें वही साइज है, ये डी बेल्ट है जो अभी गेहूँ में चल का, ये जाल रखा है ऊपर। तो ये पेटी है जो इसकी 32 इंची है, और आपको भी छोटे टायर हैं इसमें जो मैं साइड से भी दिखाऊंगा आपको, परली साइड से जाके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4 जॉइंट की मशीन है, तो सादा गेयर बॉक्स है, इसमें एलिवेटर है नहीं। ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, 32 इंची ड्रम है इसका, जो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है वैसे तो। 32 इंची ड्रम है, और वैसे फुल साइज में है मशीन, ज़्यादा पुरानी नहीं, 2-3 सीजन की चली हुई मशीन है। तो ये आप देख सकते हो, तो छोटे टायर हैं, तो ये छोटा हेड है इसमें, और साइड से भी आप देख सकते हो वही मॉडल है, पूरा का पूरा मनोहरपुर मॉडल है, जो वही है। ये साइड फैन है इधर, और मशीन में 1 रुपये का खर्चा नहीं है, सभी काम से टकाटक है। तो आप देख सकते हो इसमें, और क्या दिखाऊँ आपको, इसके बेयरिंग भी नए हैं, चारों बेयरिंग जो मेन सापट के होते हैं वो नए इसी सीजन में डाले हुए थे। तो आप देख सकते हो इसका भी, तो इसमें चेचिस है, ये भी बहुत हैवी चेचिस है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेचिस बहुत हैवी है। ये खड़ा करने के लिए इसमें पैर भी दिया हुआ है, आगे आगे की तरफ है जो जैक है नहीं इसमें, तो आप कैसे भी चला सकते हो। और बहुत से बंदे का मेरे पास कमेंट आता है, देखो भैया मैं आपको थोड़ा इसका जानकारी दे देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो चलने में बहुत से बंदे कहते हैं हमारी मशीन भैया दाना उठाती है, वो दाना क्या उसमें ढूंढ ले आती है। तो इसमें देखो गैप, इसमें गैप कम से कम इतना होना चाहिए जो उंगली गुज जाए इसके नीचे बस खाली। तो जैसे मशीन दाना उठा तो हल्का से इसमें नीचे कर दो, इसके अंदर इसमें एक सरसेंटर होती है जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लगी होती है, यहाँ के अंदर है, या इसके मशीन के पीछे सेटर खींचोगे तो यहाँ पे पाएगी आपको लगी हुई। तो उसको जैसे दाना उठाती है तो मशीन उसको हल्का नीचा कर दे, दाना कोटी भरती है तो उसको ऊंचा कर दे हल्का। तो भाई लोगों, इसमें एलिवेटर है नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलता, और ये टूल बॉक्स इसके साथ मिलेगा नहीं, ये टूल बॉक्स अलग से लगाया हुआ है, और यहाँ पे एलिवेटर लगता है, तो एलिवेटर इसमें अब लग नहीं पाएगा। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पीछे से, और बहुत से बंदे होते हैं जाली को ऊंची डाले, भैया जाली इसमें जो डली हुई है अभी भी, ये 13 नंबर जाली डली हुई है, एक ही जाली है, सिंगल गेहूँ में सिंगल जाली पे चला रखी है, तो जो ढूंढली होती हैं वो एक भी नहीं आती है, ना अनाज में बिल्कुल क्लियर ना जाता है 13 नंबर जाली पे, और चलने को उसी हिसाब से रखा जैसे मैंने रख रखा है इसका, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसी हिसाब से गल्ला खींचेगी। तो इसमें आप में देख सकता हो, तो बहुत से बंदे तो गल्ले के लिए बहुत, ये गरारी है जो इसमें 25 दांते की है, बहुत हमारे इधर सभी बंदे 20 दांते की 22 दांते की चलाते हैं, इधर 25 दांते की है, और जो ये गरारी डली हुई है इसमें ये 50 दांते की, आप लगाओ कितना चक्कर बन रहा है इसका। तो हेड भी काफ़ी बढ़िया है इसका, तो देख सकते हो पूरा। तो हाई आई होप वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिस भाई को मशीन चाहिए वो डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं व्हाट्सअप नंबर इसी स्क्रीन पे दे दूंगा। तो भाई प्लीज़ कॉल मत करना, इतना परेशान मत करना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेटोपिक साथ, जब तक के लिए बाय बाय। तो भाई लोगों, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इसको खोल के टापे को, तो ये 4 गंडासे की मशीन है, तो 1 मिनट में इसको, तो भाई लोगों आप देख सकते हो इसमें ये 4 गंडासे की मशीन है, तो इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ 4 की है, और इधर भी इसमें यही सिस्टम है, दोनों साइड एक ही सिस्टम है, आप देख सकते हो पूरा
इधर भी चार का है, इधर भी चार का है, तो जस्ट टूटने के बाद मैं इसको इधर सरका दो, इसमें हेल्पर नया डाल दे बस। और आप अंदर से दिखा सकता हूँ, ये देखो इसमें गंडा से है, तो ये 8 पत्ती की मशीन है, इसमें जाल डला हुआ है, 3 का है, नया जाल है पूरा। और जिस जो इसके साथ जाली है वो जितने भी हैं, 3 हैं 4 हैं, सभी उसकी इसी के साथ मिल जाएंगे। जिस भाई को लेनी है तो मैं नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, प्लीज़ कॉल करके इतना मत परेशान करना। जिस भाई को लेना है लॉकडाउन खुलने के बाद आ सकता है, और अभी लेना चाहता है तो ट्रैक्टर लेके आ जाए। इसका प्राइस 1,10,000 रुपये है, तो जिस भाई को पसंद आए वो अब इसको ले सकता है, और जिस भाई को नया वो कॉल ना करे, परेशान ना करें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में।